हेलो एवरीवन, ये है शाही पनीर, टमाटर पनीर, मसाला पनीर। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और संडे स्पेशल डिश है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये पूरी रेसिपी देखनी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा पसंद आई हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ संडे स्पेशल डिश, जिसके लिए मैंने पनीर ले लिया हाफ के जी तक। ये हमने शाही पनीर बनाऊंगी या ये पुलाव पनीर बनाएंगे, जिसके लिए हमने महीन महीन छोटे छोटे आकार में काट लिया। और ये दो बड़े टमाटर, दो बड़े प्याज, 4-5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च हमने पीस लिया है। और ये शाही पनीर मसाला रख लिया 1 पैकेट, सेंधा नमक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पुलाव के लिए पनीर फ्राई कर लेते हैं, इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं। थोड़ा तेज आंच में करना है, नहीं तो ये चिमसा सा जाएगा। तो चलिए राइस ब्रान ऑयल थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, 1 बड़े चम्मच। और इसी में दालचीनी और छोटी इलायची, छोटी इलायची को हमने कूट लिया है, दालचीनी को भी कूट लिया है, इसे छौंक देंगे। और ये 1/2 kg तक हमने चावल ऐसे ही नॉर्मल चावल रखा है, आप इसके जगह बासमती राइस भी ले सकते हैं। तो पुलाव बहुत ही बेहतरीन बनता है, पनीर पुलाव बिरयानी की तरह। तो इसे थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे, पानी के बाहर बिल्कुल ना जाए। तो चलने में रख लेते तो बेहतर था, तो रखने से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि नीचे लपटने ना लगे। और ये धनिया काट के रख लिया है, तो इसे जब फ्राई करेंगे इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, हल्का सा सेंधा नमक, ज़्यादा मात्रा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। हल्का सा चीनी या गुड़, थोड़ा मात्रा में, आधा से भी आधा चम्मच, 1/3 चम्मच चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। अब इसे हल्का सा भून जाता है, जब से ये लपटने लगेगा तो पनीर को फ्राई करके निकाल लेते हैं। और इसी में ही शाही पनीर भी बना लेंगे, जब तक पनीर थोड़ा सा और लाल हो जाए। और इसे देख लेते हैं नीचे लपट रहा कि नहीं, इसमें ज़्यादा तेल नहीं, या तो फिर आप शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। हम राइस ब्रान ऑयल से बना रहे हैं। टमाटर शाही पनीर बनेगा, थोड़ा सा और हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। चावल थोड़ा सा लपटने लगा है नीचे, और इसमें पानी डाल देते हैं, करीब 1/2 kg है तो 1/2 लीटर पानी इसमें डाल देते हैं। और इसे प्रेशर कुकर लगा देते हैं, तो ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स। और इसे भी निकाल लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा तेल डाला था पनीर को लौ में डालने के लिए, ये महीन महीन हमने लाल कर लिया है पनीर। अब इसमें थोड़ा सा और राइस ब्रान ऑयल 1 चम्मच तक डालेंगे, और जब से पुलाव तैयार हो जाए इसमें भी हम दालचीनी और छोटी इलायची ये छौंक लगाएंगे, थोड़ा सा हो जाए लाल। तो ये हम पेस्ट बना के रखे हैं, जो बड़े 2 प्याज है, 2 टमाटर है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो उसके जगह टमाटर की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अदरक 2 इंच अदरक तक आप डाल सकते हैं, हम 1 ही इंच अदरक डाला है। तो ये मसाला
टमाटर मसाला शाही पनीर बनेगा। तो ये हो गया फ्राई, अब इसमें हम मसाला थोड़ा डाल देते हैं। ये टमाटर का ग्रेवी है और इसे डालने के बाद हम एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद सेंधा नमक पौन चम्मच इसे डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। सबसे आखिरी में हम ये मसाला डालेंगे, ये शाही पनीर स्मिथ एंड जोन्स का, आप कोई से भी डाल सकते हैं, MDH के भी डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और सबसे थोड़ा सा भूनने के बाद फिर पनीर वगैरह मिलाएंगे। ये शाही पनीर मसाला इसे मिला दे रहे, इसको मिलाने के बाद अच्छे से चला लेते हैं। इसी में पनीर मिला देते हैं। पनीर मिलाने के बाद इसे भी साथ में करीब एक मिनट तक भून लेंगे। एक सीटी हो जाए तो पुलाव भी हमारा तैयार है। बस एक मिनट तक ये भून लें तो इसमें हम थोड़ा सा क्रीम मिल्क थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छे से मिक्सअप करते हुए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाना है क्योंकि ये शाही पनीर है, तो शाही पनीर में ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाया जाता है। बस इसे थोड़ा सा एक बल हो जाए तो निकाल लेंगे। हरी धनिया वगैरह सर्व कर देंगे इसी में थोड़ी देर के लिए, इसे पकाना है। देख लेते हैं पुलाव हुआ कि नहीं। एक ये भी तैयार है फ्रेंड्स, टमाटर शाही पनीर बन चुका है और इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से चलाएंगे और ये पनीर वगैरह मिक्सअप कर देते हैं इसी में, अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला देंगे ताकि पूरे में मिक्सअप हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर से लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि मेरी पूरी हेल्दी डिश इसी तरह आप हर डिशेस में आप शामिल हो सके। और ये बन गया मेरा टमाटर रेसिपी, टमाटर शाही पनीर रेसिपी। सो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर से लाइक करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कमी होगी वो आप नेक्स्ट बार में पूरी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।